हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। 30,000 का प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा कैमरा सेटिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो जिससे आप लोग अच्छा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो। और गाइस, आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा 30,000 के अंदर, उसमें से कुछ ही गुने चुने अच्छा कैमरा सेटिंग स्मार्टफोन देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेटिंग स्मार्टफोन लेके आ चुका हूँ। ये स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को DSLR के जैसे कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा और के वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ये सारे स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को मिड रेंज लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाएगा। और गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो है मोटोरोला की तरफ से H40। ये स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो मीडिया टेक की तरफ से डायमेंसिटी 8020 का 5G चिपसेट मिलती है। 6 नैनोमीटर में बेस्ड है, 7 लाख का करीब एंड्रॉइड उसको निकल के आती है। 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। बात करें स्मार्टफोन का डिस्प्ले की, 6.55 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले मिलती है 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ। कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है 1200 निट पिक ब्राइटनेस के साथ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें स्मार्टफोन का कैमरा की, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा मिलता है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS सेंसर देखने को मिलता है फ्रंट एंड रियर। स्मार्टफोन का तीनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। स्मार्टफोन में कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन में 4400 का बैटरी मिलती है 68W फास्ट चार्जिंग के साथ और 15W वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में। ये स्मार्टफोन में IP68 का वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगी। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का प्राइस की बात किया जाए तो 8GB रैम 256GB मेमोरी डिस्काउंट लगा के मिल जाएगा 28,000 के अंदर। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे आती है रियलमी की तरफ से 11 Pro Plus। ये स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D कार्व OLED डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 950 नीट पिक ब्राइटनेस मिलती है, 360Hz टच सबमिट रेट मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ 93% का ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7050 का 5G चिपसेट मिलती है जो 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। 550,000 के आसपास एंड्रॉइड उसको निकल के थे 9 5G बैंड को सपोर्ट करती है। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस की, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाता है। मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे और सेल्फी कैमरा से 108GB पे 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाते हैं। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करता है 100W फास्ट चार्जिंग को जो 0 to 100% जस्ट 26 मिनट में करके देगा। और स्मार्टफोन में 3D स्पीकर मिलती है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाती है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का हैंडल लेने से प्रीमियम फील होगा। प्राइस की बात किया जाए तो 8GB रैम 256GB मेमोरी मिल जाएगा 28,000 में, ऑफर के साथ 26,000 के अंदर मिल जाएगा स्मार्टफोन। हमारा लिस्ट में नंबर 3 पे आती है Vivo V27। ये मोबाइल में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का चिपसेट देखने को मिलता है। 7 लाख का ऊपर एंटीट्यूड स्कोर निकल के आता है। ये मोबाइल में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जाए तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी की तरफ से IMX766 का सेंसर मिल जाता है और OIS मिल जाता है और सेल्फी कैमरा में OIS देखने को मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस ब्यूटीफुल कर्व AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 4600mAh की बैटरी मिल जाती है 66W फास्ट चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ कलर चेंजिंग बैक पैनल मिल जाता है और पीछे रिंग लाइट देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन में IP54 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और ये मोबाइल के प्राइस की बात करें तो डिस्काउंट लगा के 30,000 के अंदर हो जाएगा। नॉर्मल लिस्ट पे नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है वो है गूगल की तरफ से Pixel 6 है। और कैमरा की बात करें तो पीछे आप लोगों को डुअल कैमरा सिस्टम मिलता है, 12.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, OIS का सपोर्ट है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मेन कैमरा से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप लोगों को फोटोग्राफी करने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग ये स्मार्टफोन को ले सकते हो। ये स्मार्टफोन का फोटो का क्वालिटी इतना अच्छा है जो 40 और 50,000 का प्राइस सेगमेंट में कोई भी मोबाइल में देखने को नहीं मिलता। मोबाइल के अंदर 6.14 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें हाईएस्ट रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। और मोबाइल का परफॉर्मेंस की बात करें तो गूगल का 10 शॉट चिपसेट देखने को मिल जाता है। 688,000 के आसपास एंटीट्यूड स्कोर निकल के आते हैं।
प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा हाई सेटिंग पे। 44 वाट फास्ट चार्जिंग मिलता है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। IP67 का वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाएगा। फाइनली ये स्मार्टफोन का प्राइस की बात करें तो 6GB 128GB रैम 29,000 के अंदर मिल जाएगा। हमारा लिस्ट पे नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 FE। स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जाए तो 12 MP का प्राइमरी कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 8 MP का टेलीफोटो जूम लेंस मिलता है, 3x तक ऑप्टिकल जूम कर पाओगे। दोनों कैमरा में OIS सेंसर देखने को मिल जाता है, 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा एक साथ यूज कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और मोबाइल का डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 240 का टच सैंपलिंग रेट, 1200 निट पीट ब्राइटनेस मिलता है और गोरिल्ला ग्लास थिकनेस का सपोर्ट मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्लैक्सिबल लेवल का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। मोबाइल का परफॉर्मेंस की बात करें तो Exynos 2100 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, 7 लाख का आसपास एंटीट्यूड स्कोर निकल जाता है। हाई सेटिंग पर अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी मिलती है 25 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ और 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है। और मोबाइल में IP68 का वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है जो फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 पे देखने को मिल जाता है। मोबाइल का ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 6GB रैम 128GB मोबाइल का प्राइस का बात करें तो अभी के टाइम में फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट लगा के 31,500 रुपीज़ में मिल जाएगा इस स्मार्टफोन। हे गाइस, ये था हमारा लिस्ट का टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन। आप लोग अपना नीड, यूजर्स और कंपनी के अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्टफोन को सिलेक्ट कर सकते हो। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।